हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस एवरीवन तो गाइस अपना फाइनल्स का डे वन का पहला मैच स्टार्ट होने वाला है बिटवीन ग्रुप ए वर्सेस बी एंड मैप रहेगा अपना इरोंगल का चलो गाइस इट्स अबाउट टू गेट स्टार्टेड लेट्स गो गाइस Not real life. Okay, so guys, here yeah, are our qualified teams: mm, DX, The Shields, Enemy Hunters, Team Slayer, Team 47, 13 be our team, Orange Rock, EDS, Fifteen will be team, Crips, Singe, Yak, Horizon, Mavericks, Big Four L, Team No Fear.

चार हमारे रहेंगे वाइल्ड कार्ड्स तो लेट्स सी गाइस प्लेन पाथ आ चुका है गाइस प्लेन पाथ यहाँ पर जॉर्जो पुल की तरफ से यहाँ पे सोस्नो का मिलिट्री बेस की तरफ जाएगा तो याजनाया नया सेवरनी सेवर्नी प्रिजन लिपोकोआ मिल्टा पावर जाने वाली टीम्स को थोड़ा सा वहकुलर फाइट्स शायद अगर ड्रॉप फाइट्स होता है तो उनको वहकुलर फाइट्स जरूर देखने को मिलेगा बाकी कंप्लीटली uh, नॉर्थ वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न टीम्स को ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं पड़ने वाला है गाइस गाइस तो लेट्स सी कहाँ के तरफ हमारे फाइनल्स का पहला मैच में कौन सा टीम रहते हैं जो अर्ली एग्जिट लेंगे लेट्स सी कौन पहला चिकन निकालते हैं टूर्नामेंट का पहला मैच देखा जाए तो क्वालिफाइज का पहला मैच चिकन निकाला था टीम हॉराइजन ने टीम आई डोंट थिंक सो तो चलो वाइस निकल चुके हैं यहाँ पे नो no फियर के मेंबर यहाँ पे जाएंगे जारके की तरफ ओके हमारे टीम एनिमी टीम स्लेयर यहाँ पे सेवनिक की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे मैवरिक्स अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन जॉर्जो पुल की तरफ जाएंगे एंड बात करें तो यहाँ पे मैप की तो ईस्टर्न साइड काफ़ी स्कोर देखने को मिलेंगे वेस्टर्न साइड हमारे यहाँ पे टीम क्या बोलते हैं ना टीम थर्टीन यहाँ पे ऑरेंज रॉक बिग फोर एल ह्यूमन नाइट एलिट बी जी एस फोकिंग का यहाँ पे गर्ली फाइट देखने को मिल सकता है गाइस फोकिंग के सी टू के जो कि फोकिंग वैसे तो जाते थे मिलिट्री बेस की तरफ लेकिन इस बार फेरी फायर की तरफ देखने को मिलेंगे ह्यूमन नाइट के साथ एक ड्रॉप क्लैश देखने को मिलेगा गाइस Let's see. Foking versus Humanite guys. पहला फाइट शायद हमें इनिशिएट होते हुए दिख सकता है Foking के eyes रहेंगे C two के यहाँ पे रहेंगे Foking के eyes के साथ बाकी दो मेम्बर्स रहेंगे यहाँ पे आ, बाकी फोकिंग दो स्कॉर्ड्स के साथ लड़ेंगे यहाँ पे फोकिंग के हर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे इनका फाइट यहाँ पे एलिट वी के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा एलिट वी जी यहाँ पे टूर्नामेंट का पहला मैच खेलते हुए भाई दे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड से यहाँ पे एंट्री हुए हैं एलिड वी के ब्रोजी बुक्सटा बुकस्टा की बात करें तो थोड़ा दूर रहेंगे लेकिन यहाँ पे ब्रोजी के साथ यहाँ पे नूबू रहेंगे तो यहाँ पे टू वी टू का सिचुएशन रहेगा फोकिंग के दो मेंबर्स है एल ईड वी के दो मेंबर्स हैं तो जो भी टीम्स रहेंगे गाइज यहाँ से अगर अर्ली एग्जिट होते तो तीन मैचेस खेलने हैं उसमें से पहला मैच ये दो ग्रुप खेल रहे तो अर्ली एग्जिट काफ़ी दिक्कत दे सकता है गाइज इनको किल कैसे गिना जाएगा जगह वाइड एम किल मतलब कैसे गिना जाएगा समझ नहीं आ रहा सर गेमिंग विद जिमिन भाई स्किल्स के हिसाब से ही गिना जाएगा और बाकी जोन की बात करें तो डी एक्स रोजॉक याज या टी डी एस के मेम्बर्स जाएंगे द शील्ड यहाँ पे आ, और हॉराइजन आई थिंक इट इज़ यस ये दो टीम्स रहेंगे वाटर सिटी के करीब रोजॉक स्कूल आ, ये पार्ट कुछ आ, तीन चार स्कोर देखने को नहीं तो यहाँ पर शायद हमें फाइट इनिशिएट होते हुए दिख सकता है लेकिन टीम ह्यूमन नाइट के इरफान यहाँ पे थॉमसन एंड वेक्टर लेके देखेंगे वेक्टर आई थिंक इट इज़ उजी दो एस लेके देखने को मिलेंगे और सामने फोकिंग के सी टू के रहेंगे सी टू के एन एम चैम यहाँ पर नहीं चैम नहीं यहाँ पे फोकिंग के आइज रहेंगे तो लेट्स सी फोकिंग यहाँ से फॉल बैक कैसे होते हैं गैदर अराउंड कैसे होते हैं एकत्रित एक होना ज़रूरी है सॉरी टू हेयर इट बट क्या कर सकते हैं <coughs> तो चलो ऐस बाकी फाइट्स की बात करें तो उचिहा ओके स्लेहर बाय द वे यहाँ पे सेवर नहीं जाएंगे शूटिंग रेंज की तरफ जाएंगे शील्ड के शेडो थोड़ा दूर रहेंगे अपने टीम से बाकी थ्री मेंबर्स रिवस के करीब वाटर सिटी में हमारे ऑरेंज औरे रॉक के मेंबर्स देखने को मिलेंगे तो एल ई के यहाँ पे मैंबर्स थोड़ा यहाँ पे फॉल बैक कर चुके हैं और मे बी यहाँ पे इनके मेम्बर्स यहाँ पे बुक्सटा अपने टीम मेट वसीम को लेने गए थे बुक्स टा आएंगे यहाँ पे कवर फाइट के लिए ओके बुक्स आए हैं यहाँ पे इनको एक बाइक ही मिला था तो एक मेंबर को छोड़ के गए हैं और आधे प्लानिंग तो की बात करें तो यहाँ पे हर्ड्स एंड चैम देखने को मिलेंगे हर्ड्स के सामने आ, है हर्ट्स राइट से एंगल निकाल के बैठे ओपन से कोई भी मेंबर में अगर यहाँ पे एल ईड के फ्लैंक एंगल निकालने के लिए गए तो दिक्कत देने में यहाँ पे कोई कमी नहीं रखेगी चैम फिलहाल के लिए लूट लपाटेंगे आराम से यहाँ पे वेस्ट मिल चुका है हेलमेट मिल चुका है एंड लूट की बात करें तो यहाँ पर इनको एम मिल चुका है विथ ओस तो एज ऑफ द जोन है जोन में बढ़ना चाहेंगे लेट्स सी पहला जोन कहाँ की तरफ बढ़ता है सेंटर ऑफ़ द जोन रोजॉक काफ़ी टीम्स प्रेफर कर सकते हैं टीम 47 स्कूल अपार्टमेंट से लूट लपाट के यहाँ पे शायद टीम सिंगे को दिक्कत देने के लिए पहुँच सकते हैं रोजॉक रोजॉक के रिच के, के तरफ एंड बाकी टीम्स सी गाइस टीम डी एक्स तो नो और इपनो की तरफ हमारे एनिमी हंटर के मेंबर्स जाएंगे एनिमी हंटर के यहाँ पे जामुंडे देखने को मिलेंगे पोस्टी देखने को मिलेंगे ग्रूट 1993 गाइस से कि सिर्फ ग्रैंड फाइनल में गिना जाएगा नहीं वो फाइनल से कि सिर्फ ग्रैंड फाइनल नहीं सर फा, रूल्स में साफ साफ लिखा है एम वी फाइनल से ही गिना जाएगा तो आज से ही गिना जाएगा जो भी एम रहेंगे मैवरिक किधर है मैवरिक वहीं सर जॉर्जपुल

आज हमें पता चला ये की पेन है जो आई थिंक टीवर टीम है की अच्छा टीम है एंड बाय द वे ये टीम गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नो फिर no हमारे टी वन टीम है टी वन लॉबी खेल के आ चुके हैं टी वन लाइक like, अच्छा वाला टी वन जहाँ पे क्या बोलते नाम हमारे ऑरेंज रॉक सेवन सी असली वाला टीम जो रहते हैं हमारे गॉडेल वॉडल सब खेलते हैं तो वो वाला T1 खेल के आ चुके हैं तो इनके पास काफ़ी अचीवमेंट्स है तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो अच्छा ये प्रबल दावेदार रह सकते हैं यहाँ पे ये टूर्नामेंट जीतने के तो लेट्स सी गाइस कैसा प्रदर्शन रहता है क्वालिफायर्स में तो टॉप ऑफ द टेबल लीडर्स हमारे मेवरिस के मेंबर्स रहेंगे मेवरिस के मैट्रिक्स रैक्स फ्लोकी डिट्टो वाइटी बढ़ेंगे डिट्टो अपने टीम में आ, ओके यहाँ पे रैक्स आएंगे रैक्स वाई टी एंड डिटो वाई टी दोनों हमारे यूट्यूबर स्ट्रीमर्स फ्रॉम लद्दाख गाइस बढ़ेंगे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड टीम 47 आई थिंक uh, इन्होंने डिसाइड कर लिया है नॉर्दर्न आइलैंड के तरफ जोन बन सकता है तो फोर्टी सेवन uh, uh, जल्दी से यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके रोजॉक की तरफ से बाय द वे यहाँ पे 47 के मेंबर्स हम ब्रिज कैंप भी कर सकते हैं हुआ भी है काफ़ी बार हमने देखा है यहाँ पे ब्रिज कैंपिंग एंड ऑल तो चलो गाइज क्रिप्ट uh, टीम नंबर बता दो सर जितने ह्यूमन नाइट है सर ह्यूमन नाइट है यहाँ पे ह्यूमन नाइट के मेंबर्स देखने को मिलेंगे फेरी पायर के तरफ लूट ना एमओ महबूब नवबेड़ी एंड इरफान देखने को मिलेंगे तो चलो गाइस अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं बिग फोर एल भी पाए थे यहाँ पे थ्री मैन स्क्वाड है बिग फोर का रफ्तन गुची एंड लाजवी यहाँ पे रैत रेत इस ग्रुप uh, में तो आई डोंट थिंक सर नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी टीम uh, लिस्ट दिया गया है जो भी आप लोगों को अगर किसी टीम का नाम देखना है नीचे सब कुछ दिया है स्लॉट लिस्ट के साथ आप हमें बता सकते हो

फिनिश याक के मेंबर्स भी होंगे तो दोनों टीम्स यहाँ पे एक एक कैजुअल्टी खाएँगे याक्य मिस्क यहाँ पे क्लोज इन करते हुए टूअल्स सिंगे के मेंबर्स मैंबर्स एंड सन्नाना रहेंगे यहाँ पे इनके तरफ बाकी बात करें तो यहाँ पे टीम्स की तो टीम हॉराइजन लेट्स सी अपना पहला यहाँ पे शिकार कर चुके हैं हो याक के उफ को याक उफ़ लेफ्ट से थोड़ा ध्यान नहीं रखे थे बाकी सिंगे के मेंबर्स नूब्स नियो सिंगे के मेंबर्स भी काफ़ी ओपन में गए थे सिंगे के नाम चोस जिसका खामियाजा उनको मिल चुका है एक शक्ल में ओके okay तो पे याक के बढ़ेंगे लेकिन लुक के सामने अब एक और यहाँ पे परेशानी टीम 47 के मेंबर्स देखने को मिलेंगे क्या पहला टीम रहेंगे यहाँ पे एग्जिट होने में यहाँ पे याक के दो है सनाना की तरफ ले दिया जाएगा गाड़ी कुछ खास हालत में नहीं है इसी के साथ यहाँ मेंबर्स अपना गाड़ी फोड़ के काफी ओपन फील्ड में फंस चुके हैं यहाँ पे टीम याक के मेंबर्स दिक्कतों का पार्ट इनके तरफ बढ़ते हुए सनाना एंड एहमे रहेंगे जल्लाद की बात करें तो जल्लाद अभी भी पोचिंग की आई थिंक ऑफलाइन हो है तो याक के सनाना एंड एहमे यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे फाइट निकालना पड़ेगा तो चलो वाइस स्लॉट वन है नहीं सर कोई स्लॉट नो no वन इज इन स्लॉट वन स्लॉट एट से स्टार्ट हुआ है डी एक्स के मेम्बर्स और चलो वाइस यहाँ पे तो अभी तक दो मेंबर्स फिनिश हो चुके हैं मैवरिक्स वर्सेस नो फेयर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे जो थे क्वालिफाइज के एट द एंड ऑफ द डे टेबल्स के उनका शायद फ़ाइट देखने को मिल सकता है एंड अभी फ़िलहाल 47 सेंटर ऑफ द जोन है टीम याक के मेंबर्स की तरफ यहाँ पे पुश देखने को मिल सकता है 47 सेवन यहाँ पर दावा बोल चुके हैं याक के मेंबर्स पता चल चुका है यहाँ पे शायद दो मेंबर्स थे याक के सनाना एंड मेसिक इट इस यहाँ पे सनाना एंड मेसिक कैसे निकालते हैं यहाँ पे फाइट मेसिक ओके फर्स्ट फ्लोर में अंदर बैठने की कोशिश करेंगे सनाना थोड़ा सा यहाँ पे आ, छत का कवर लेके बैठेंगे और कार्टर यहाँ पे इसी के साथ क्लोज इन कर रहे हैं और यहाँ पे फोर्टी सेवन के मेंबर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ यहाँ पे मेवरिस के मेंबर्स भी है तो किल यहाँ पे मेवरिस के मेंबर्स भी खा सकते हैं यहाँ पे फोर्टी सेवन के गुजमैन को स्पॉट कर लिया जाएगा मेवरिस के फ्लोकी के द्वारा लेट्सी क्या आ, इनके स्नाइपर स्नाइपुर वे डिटो रहते हैं अभी तक थोड़ा दूर है ओपन फील्ड में शायद नहीं जाना चाहते और यहाँ पर रेक्स वाइडी यहाँ पे डी के साथ एक टैग दे, दे चुके तो फोर्टी सेवन के मेंबर्स रेक्स वाइट यहाँ पे फोर्टी सेवन के कार्टर को डाउन कर चुके हैं वी माइट सी अश फोटी सेवन के कार्टर लेट्स सी शेक में है कवर में है लेकिन रिवाइव के लिए यहाँ पे गोजमैन को जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे गोजमैन को दो टीम्स के साथ दिक्कत पड़ सकता है फ्लो की यहाँ पे गोजमैन को डाउन करते हुए टीम फोर्टी सेवन यहाँ पे आ, यहाँ पे टीम फोर्टी सेवन ने भी वही गलती करी जो पीछे पिछले बार याक के एक मेंबर ने किया था इट वॉज ध्यान रखे बगैर यहाँ पे पुश किया पीछे का एंगल खुला छोड़ दिया और मैं के मैट्रिक्स मैं के फ्लो की यहाँ पे वो फायदा उठाते हुए टीम ए के यहाँ पे टीम नो फेयर यहाँ पे नॉक करते हुए करतेट के एमो, एमो को तो नो फेयर यहाँ पे अपना पहला नॉक निकालेंगे ह्यूमन के बाकी मेंबर्स इरफान महबूब आएंगे इसी के साथ क्लोज इन करेंगे ए के स्पेन के लिए यहाँ पे वन यू टू का सिचुएशन रहेगा और बाकी मेंबर्स भी आना चाहेंगे गोस्ट महबूब को स्पॉट कर लिया जाएगा इरफान को स्पॉट कर लिया जाएगा एंड इसी के साथ गांधी नॉक करेंगे गोस्ट महबूब को बेहतरीन कवर देखने को मिलेगा इरफान

यहाँ पे या के सनाना के द्वारा नो फियर के मेंबर यहाँ पे इसी के साथ क्लोजिंग कर चुके हैं नो फ़ियर के आय यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए स्मोक में अगर एक नेड करे तो यहाँ पे दो नॉक्स निकल सकते हैं इनके लिए गोश्त महबूब को यहाँ पे आयकर कर लेंगे इरफान एंड एमओ इरफान को भी डाउन कर लिया जाएगा ह्यूमन थोड़ा दिक्कतों में आते हुए और इसी के साथ लेकिन पीछे से मैरिस्ट इसके मेंबर्स भी यहां पे जितना हो सके नॉक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं मैवर इसके इसके पे रैक्स वाइटी फ्लो की तो ह्यूमन राइट बात करें तो यहाँ पेट के दो नॉक हो चुके हैं और इंस्टेंट पे फिनिश कर लिया जाएगा तो ह्यूमन नाइट यहाँ पे तीन कैजुअलिटीज लेते हुए अपनी टीम की तरफ से ढिटो लेकिन यहाँ पे एम का यहाँ पे एक शॉट देते हुए तीन फियर के गांधी की तरफ नॉक किया जाएगा लेकिन इंस्टेंटली यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा नो फियर के आइकनिक के द्वारा बाकी दूसरे चोट देखा जाए तो यहाँ पे याक का फाइट इनिशिएट हो चुका है कॉम्पाउंड के तरफ और यहाँ पे आ चुके हैं टीम हॉराजन के मेंबर्स मेंबर्स इफ आई एम नॉट के बाय द वे काफी ओपन में पकड़े गए हैं एंड ओपिन दोनों को फिनिश कर लिया गया है पीछे की तरफ यहाँ पे एनिमी हंटर्स के मेंबर्स आएंगे एनिमी हंटर्स के सामने देखा जाए तो यहाँ पे टीम नंबर फिफ्टी जो कि रहेंगे हमारे टीम क्रिप्स के मेंबर्स तो एपसी का यहाँ पे एनिमी हंटर्स जहाँ पे पहले टीम फोर्टी सेवन के थे वो एंड बाय द वे पे दो टीम्स एग्जिट ले चुके हैं क्या नहीं यहाँ पे अभी तो कोई भी टीम एग्जिट नहीं ले चुका है अठारह के अठारह टीम है Uh, हम थोड़ा क्वालिफायर्स के मूड में थे और देखा जाए तो 18 टीम का यहाँ पे लॉबी है डी एक्स के मैंबर्स यहाँ पे वो यहाँ पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप की तरफ और जोन की बात करें तो फिलहाल दूसरा जोन क्लोजिंग हो रहा है नो काफ़ी क्लोज है यहाँ पे लेट्स सी ह्यूमन क्या यहाँ पे पहले स्क्वाड रहेंगे जो एग्जिट लेंगे यहाँ पे गांधी यहाँ पे बिल्कुल सामने रहेंगे इनके ह्यूमन के नो बड़ी मेवरिक्स के पास यहाँ पे कंपाउंड रहेंगे एंड बात करें तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द जोन काफ़ी स्क्वाड्स प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे हॉराइजन के मैंबर्स सेंटर ऑफ द जोन जाते हुए याक रहेंगे सामने एनमी हंटर रहेंगे

आन जोन इसी के साथ क्लोजिन होगा एल ई डी बी जी एच टू एच खेल रहे हैं या के जल्लाद आएंगे सनाना टीम फोर्टी सेवन के एस्कोबार को डाउन करते हुए तो या के मेंबर्स शायद member, यहाँ पे पुश कर सकते हैं चार किल निकाल चुके हैं फोर्टी सेवन इज लेफ्ट विद फाइनल मेंबर दैट इज कार्टर स्मोक यहाँ पे मॉलिश किए जाएंगे एक और नेट और यहाँ पे फोर्टी सेवन हमारे पहला टीम रह सकता है जहाँ पे इस ग्रुप से एग्जिट लेते हुए एस्कोबार एंड कार्टर दोनों अलाइव तो है लेकिन इनके तरफ एक शेख में तो इनके तरफ

नेट्स होना थोड़ा इजी रह सकता है और इसी के साथ यहाँ पे दावा बोल चुके हैं एस का उबार यहाँ पे बचेंगे फाइनल मेंबर अपनी टीम की तरफ से मिच को इंस्टेंटली फिनिश कर लिया जाएगा लेकिन पीछे से मै और इसके में दिक्कत देते हुए टीम फोर्टी सेवन को यहाँ पे अर्ली एग्जिट यहाँ पे लॉबी का रास्ता दिखाया जाएगा या मेंबर्स बचेंगे दो दो कैजुअल्टीज मिल चुके हैं लेकिन फोर्टी सेवन यहाँ पे पोजिशन पॉइंट जीरो लेते जाएंगे बेशक किल्स कुछ लेके जाएंगे डी एक्स वर्सिस लेकिन यहाँ पे डी एक्स के नमगिल ने यहाँ पे नॉक कर लिया टीम फोर किंग के एक मेंबर को और यहाँ

जितने भी देख रहा हूँ फटाक से लाइक दबा दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर, अगर अभी तक नहीं किया है तो फाइडा अभी और इंटेंस होने वाला है गाइस अभी तक एक टीम यहाँ पे एग्जिट ले चुके हैं टीम वो रहेंगे हमारे टीम फोर्टी सेवन बाकी ह्यूमन तीन कैजुअलिटीज ले चुके हैं टीम हॉराजन दो कैजुअलिटीज़ यार दो कैजुअल्टीज सिंगे एक कैजुअलिटी ले चुके हैं फोकिंग यहाँ पे एक कैजुअलिटी ले चुके हैं और फोकिंग बाकी मैंबर्स आएंगे आइस आएंगे यहाँ पे अपनी टीम के साथ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जोन का नॉट सेंटर बट ऑलमोस्ट सेंटर कह सकते हैं टी डी एस सेंटर ऑफ टीम ऑरेंज रॉक को पकड़ा जाएगा नो फेयर यहाँ पे एक और स्क्वाड को पकड़ते हुए नो फेयर यहाँ पे क्रैश लैंडिंग से यहाँ पे uh, एरिया में बैठे हुए हैं नो फेयर के मेम्बर्स लेकिन सारी टीम को यहाँ पे क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं ऑरेंज रॉक यहाँ पे एक और कैज अपना पहला कैजुअलिटी खाते हुए स्काउट ओपी के शगल में गुरु इनसेन मशीन यहाँ पे बढ़ेंगे लेकिन

मेवरिक्स यहाँ पे अच्छा खासा जगह होल्ड कर चुके हैं स्लेयर की तरफ से स्टोनर रहेंगे शेक में बाकी ग्रुजमैन यहाँ पर जो यहाँ पे टनल रहता है वहाँ की तरफ है ग्रुजमैन के साथ यहाँ पे स्लेयर और गोडल जोनाथन भी सही रहेंगे अच्छी यहाँ के मैंबर्स कंपाउंड होल्ड कर चुके तो ओपन की बात करें तो यहाँ पर टीम आ, सिर्फ आ, शायद आ, ही कोई स्कॉड है जो ओपन जोन में अभी तक बैठे हुए सभी आ, अपना अपना कंपाउंड होल्ड करके बैठे हुए गाइस

महब्र को डरा के वापस आ चुके हैं यू चीहा सासके यहाँ पे नॉक कर लेंगे हमारे टीम एलिड बीजेस के मेम्बर्स को और ब्रोजी को नॉक कर लिया जाएगा के द्वारा सासके यहां पे शायद दो नॉक्स निकाल चुके हैं एलिड बी जी एस के ब्रोजी एंड बुक्टा दोनों को नॉक कर लिया जाएगा वसीम एंड पे क्लोज इन करेंगे सासके यहाँ पे वन यू टू निकाल चुके हैं क्या यहां पे वन यू फोर निकाला जाएगा यहाँ पे के के द्वारा थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे हैं वसीम क्लोज इन करेंगे यहां पे इसी के साथ यहाँ पे सास के यहाँ पे एक और नॉक निकालेंगे ओके okay, पे नुबू फाइनल बचेंगे बीजीएस के तरफ से हमारे और इसी के साथ एक नेट से यहां पे फिनिश कर लिया जाएगा एलिड बीजीएस यहाँ पे दूसरी टीम रहेंगे यहाँ पे जो ये आ, मैच छोड़ के जाएंगे हमारे साथ तो बाकी बात करता हूँ मैवरिक्स वर्सेस हमें न्यू टीम नो फेयर एनी टाइम देखने को मिल सकता है यहाँ पे नो फियर एच टू एच खेल रहे हैं फिलहाल एंट्री नहीं माना चाहते लेकिन नो फियर यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं बिग फोर एल के मेंबर्स को जो कि बिल्कुल यहाँ पे बिग फोर एल क्वेरी से यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ द एरिया नॉर्दर्न साइड पकड़ के वेस्ट नॉर्दर्न यहाँ पे आ चुके है, हैं द जोन एंड यहाँ पे नो फेयर के आय करने की बात करें तो इनके सामने यहाँ पे टीम्स लेर के मेंबर्स देखने को मिलेंगे तो एच टू एच काफी स्क्वाड खेल रहे हैं मेवरिक्स टी डी एक सेंटर ऑफ द जोन या भी कह सकते हैं के बाद अच्छा खासा जोन है लेकिन एनिमी हंटर अपना पहला नॉक आ चुके हैं पोस्टी लेकिन इंस्टेंट रिवाइव दिया जाएगा यहाँ पे और इसी के साथ बाकी टीम डी एस के मैम्बर्स टीम द शील्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे द शील्ड के लूसीफर नॉक करते हुए बाय द वे ऑरेंज को ओके okay, रोजॉक का जो यहाँ, पे, वाटर एरिया है, यहाँ पे, वर्से जहाँ पे अभी भी फाइट चल रहा है ऑरेंज रॉक जो कि हमारे असली ऑरेंज रॉक रहते हैं वो भी ये पार्ट ऑफ द एरिया मैक्म टाइम पकड़ते हैं और यहाँ पे लूसीफर को स्पॉट कर लिया जाएगा थोड़ा सा डैमेज दिया वापस आया तो यहाँ पे स्नैक का यहाँ पे थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए डैमेज दो अंदर आओ यहाँ पे तो बीस की बात करें तो यहाँ पे बीस बेहतरीन एंगल निकाल के आ चुके हैं तो यहाँ पे को यहाँ पे यहाँ पे को कमाल बेहतरीन करके कर लेंगे तो बीस्ट इज द फाइनल पे लोकेशन देना चाहेंगे दशील के members यहाँ पे लेकिन स्पॉट कर चुके हैं मशीन के बीस को एम के साथ पिन करके रखेंगे नो फियर के है यहाँ पे फोर के को करते हुए और इसी को नौकर दे और इनसे फिनिश कर दिया जाएगा मशीन बीच यहाँ पे ऑरेंज रॉक के आउट ऑफ जोन है और इनको जोन में जाना पड़ेगा और सारे शील्ड के मेंबर इनके तरफ पिन करके बैठे हुए तो बीच के लिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत की बात हो सकती है और यहाँ पे के नाइन का यहाँ पे शॉट दिया जाएगा ऑरेंज रॉक के मेंबर्स यहाँ से एग्जिट ले लेंगे लेकिन जोन एक नॉर्दन शिफ्ट मार चुका है स्लेयर जोन में ह्यूमन हाइट को नो बड़ी अभी भी जोन एच टू एच पकड़ के बैठे हुए हैं लेकिन इनके बिल्कुल सामने यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे टीम आ, स्लेयर के मेंबर्स स्लेयर की तरफ यहाँ पे ऊंची यहाँ के मेम्बर्स आप आना चाहेंगे टी डी एस केस पावर यहाँ स्प्रे देते हुए मदारा को यहाँ पे काफ़ी लो कर लिया जाएगा नो को स्टोन और स्पॉट करके नो बड़ी ह्यूमन नाइट के फिनिश आउट हो जाएंगे टीम नो फेयर no के मेंबर्स लोली स्लोली जोन की तरफ बढ़ते हुए लोलो लो को काफी लो कर लिया गया है इसी के साथ टी के बाकी मेबर थोड़ा दूर रहेंगे एक है स्पेन यहाँ पे काफी क्लोज आ चुके हैं लो लोलो के लच्ची क्या ये नेड एक पहला नॉक निकालते हैं यहाँ पे टीडीएस के मेंबर्स के लिए लेकिन लो लो यहाँ से फॉल बैक करना चाहेंगे इनको पर थोड़ा सा खतरा यहाँ पे लग चुका है बाकी टीम स्लेयर वर्सेज नोफेयर हमें देखने को मिल सकता है गांधी के सामने यहाँ पे रहेंगे मेवरिस्ट के मेंबर्स अब लेट्स सी गाइस यहाँ पे मेवरिस्ट कैसे जोन में एंट्री मारते अभी तक जोन इनका साथ दे रहे थे इनके पास कंपाउंड था लेकिन आप ओपन फील्ड में आना पड़ेगा टीम नोफेयर की बात करें तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन फील्ड का आदत लग चुका है क्योंकि पहले से ही यहाँ पे ओपन फील्ड का गेम खेल रहे थे

यहाँ पे क्रिप्स के ईवो को फिनिश करते हुए एम जे राज यहाँ पे नॉक कर लेंगे ग्रूड यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए जोन से सास्के को यहाँ पे डी एक् नॉक करते हुए प्ले जोन से जामुंडे यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए तो टीम मैवरिक्स नो फेयर सिंगे के मेंबर्स यहाँ पे एक साथ फाइट लेंगे रैक्स नॉक हो जाएंगे डिट्टो फ्लो की बचेंगे अपनी टीम की तरफ से सिंगे सोन्सर की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए हमें पर हमारे टीम नो फेयर के मेंबर्स एक ही स्पेन यहाँ पे क्लोज इन करना चाहेंगे तो सिंगे के मेंबर्स यहाँ पे पेन को डाउन कर लिया जाएगा डिट्टो को लेकिन डाउन कर लिया जाएगा एम आर के यहाँ पे फ्लो की फाइनल मेंबर बचते हुए अपनी टीम की तरफ से ग्यारह टीम्स अभी भी अलावे गाइस सिंगे के मेंबर्स यहाँ पे टू मैन स्क्वाड बचे हैं यहाँ पे दो स्क्वाड्स के बीच में फंसे हुए हैं यहाँ पे टीम नो फेयर यहाँ पे दाड़ते हुए गाइस जहाँ पे आठ किल्स निकाल चुके हैं यहाँ पे टीम नो फेयर यहाँ पे धावा बोल चुके हैं क्वालिफायर्स में यहाँ पे डोमिनेशन दिखाया था और यहाँ पे पहले ही मैसे यहाँ पे डोमिनेशन दिखा रहे हैं बाकी याक के पास कंपाउंड है यहाँ पे टीडीएस के पास जोन है स्लेयर आई थिंक इट इज़ जिनके पास जोन है लेकिन जिनके पास जोन नहीं है वो रहेंगे टीम नो फेयर सिंगे एंड मैवरिक इन तीनों स्क्वाड्स को यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे जोन में जाना पड़ेगा डी एक्स वर्सेज ऊंचीहा दूसरे छोर देखा जाता तो इस यहाँ पे उनका फाइट जारी रहेगा डी रहे एक्स के नोटसन स्लोली स्लोली जोन की तरफ क्लोजिंग करते हुए एम जे रास को टी डी एस के माफी नॉक करते हुए तो यहाँ पे हॉराइजन को काफी दिक्कत देते हुए यहाँ पे टीम एंड आर्थर की बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं सिंगे सोनसर नॉक कर लेंगे है यहाँ पे आर्थर को लेकिन सिंगे सोनसर को नॉक करते हैं करतेमआर के फ्लो की यहाँ पे आएंगे फ्लो की डिटो दोनों को जोन में जाना पड़ेगा के मेंबर्स इसी के साथ जोन का डैमेज खाते हुए फिनिश आउट हो जाएंगे नो फेर के बाकी मेंबर्स जोन के तरफ पहुंच जाएंगे सस्पोल पे पहुंचेंगे स्लोरी स्लोरी जोन की तरफ लेकिन गांधी की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखा जाए तो वर्स पे फाइट हो चुका है डी एक्स के नमगेल रहेंगे मदारा देखने को मिलेगा यहाँ पे अकेले बचे अपनी टीम की तरफ से पीछे से यहाँ पे टीम डी एक्स के मेंबर्स भी है स्लेयर को भी यहाँ पे एच टू एच पकड़ के जोन में आना पड़ेगा डी एस के स्मोकी नॉक पड़े हैं यहाँ पे इसी के साथ सिंगो को फिनिश कर लिया जाएगा दूसरे छोर यहाँ पे टी डी एस वर्स वर्सेस एनिमे हंटर का फाइट होते हुए पोस्टी को फिनिश कर लिया जाएगा टीम एनिमे हंटर इसी के साथ यहाँ पे आ, फिनिश आउट हो जाएंगे तो ऑन सेवन पोजीशन नाउ यहाँ पे टीम छह टीम्स रहेंगे यहाँ पे नो फियर रहेंगे टीम स्लेयर यहाँ पे टू वी टू के स्प्लिट में खेलते हुए उचिहा मदारा अकेले बचते हुए अपनी टीम की तरफ से टी डी पे गाइज पहला गेम चारों के चारों मेंबर अलाइव है टी के पास लेकिन यहाँ से जोन हटते हुए इस बार एंड डी स्लेयर क्या यहाँ पे स्लेयर चिकन निकाल सकते हैं स्लेयर टू वी टू के स्पिट में है तो अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ से नो no फेयर के मेंबर्स आ रहे हैं इनकी तरफ नीचे की तरफ से डी एक्स के मेंबर्स आ रहे हैं तो लेट्स सी कैसे यहाँ पे होल्ड करते हैं ऊंची हा मदारा ऑन द अदरवाइज चुपचाप बैठेंगे लोकेशन अपना ना दे तो इनके लिए बेटर रहेगा फिलहाल के लिए क्योंकि सिंगल मेंबर है अगर गलती से एक स्प्रे से नो यहाँ पर इनको ठीक से लगा तो यहाँ पे नॉक नहीं होंगे सीधे फिनिश आउट हो जाएंगे बाकी नो फेयर की बात करें तो यहाँ पर नो फेयर के सामने यहाँ पे टी के मैं स्लोली स्लोली जोन की तरफ बढ़ना चाहेंगे आठ किल्स निकाल चुके हैं यहाँ पे टीम नो फेयर टी डी यहाँ पे छह किल्स निकाल चुके हैं दूसरे तरफ देखा जाए तो टी डी एस के तरफ यहाँ पे ने इनिशिएट हो जाएंगे उचीहा मदारा भी बिना लोकेशन दिए हुए बैठे हुए हैं और यहाँ पे टीम स्लेयर के सामने यहाँ पे डी एस के मैंबर्स आप स्लोली स्लोली क्लोज इन करना चाहेंगे टीम स्लेयर के यहाँ पे ग्रूजमैन को काफी लोग कर लिया गया है लेकिन फॉल बैक करते करते यहाँ पे एक एस के पेन स्पॉट कर लिया पेन भी नॉक होंगे नो फेयर के आइकोनिक नॉक होंगे गांधी इज द फाइनल मेंबर फ्रॉम देयर टीम स्मोक्स इनिशिएट हो जाएंगे लेकिन नेड जहां पे टीडीएस के मर्फी के तरफ से किया जाएगा टूवर्स नो फेयर के मेंबर दूसरे चोर यहां पे उची मदारा को फिनिश कर लिया जाएगा नाउ वी आर डाउन टू फोर टीम्स इट्स no से कोई पहला टी डी एस फोर थ्री है, no fear, है. Murphy, थोड़ा अपर साइड लेके आएंगे एक नेड़ अगर यहाँ पे करते तो नहीं किन यहाँ पे मर्फी ने जम करके अपना लोकेशन दे दिया मौफी को इंस्टेंट नॉक फिनिश कर लिया जाएगा जॉनथन एक पेन को फिनिश करते हुए जॉनथन यहाँ पे क्लोज इन करेंगे फियर क्या आएगा की तरफ से थोड़ा सा पिक्सल दिखा था यहाँ पे लेकिन नो no ने पहले स्पॉट कर लिया और यहाँ पे इंस्टेंटली नॉक कर लिया जाएगा तो डी टी डी एस यहाँ पे नो फियर टू मैन स्क्वाड लाइव है और नो no फियर के तरफ यहाँ पे इनिशिएट हो जाएंगे पीछे नीचे की तरफ यहाँ पे थ्री मैन स्क्वाड अलाइव है आठवा जोन क्लोज इन होने गाइस लेट्स इन तीन टीम में से कौन चिकन निकालते हैं पहला खबीब काफी आगे जा चुके हैं स्टोनर को स्पॉट कर लिया जाएगा लेकिन गांधी को यहां पे नॉक कर लेंगे लो लो विद और मौफी यहाँ पे क्लोज इन करके गांधी को इंस्टेंटली फिनिश करने की कोशिश करेंगे नो फेयर के को फिनिश कर लिया जाएगा ना विधोएशन टी सिचुएशन एस के खबीब नॉक हो जाएंगे लेकिन मौफिया आएंगे लो लो आएंगे यहाँ पे स्लेयर के मेंबर्स को यहाँ पे नॉक कर लिया जाएगा टीम स्लेयर के स्लेयर फाइनल मेंबर बचेंगे वन सिचुएशन रहेगा और इसी के साथ टी विल टेक गाइस पहला चिकन डिनर ऑफ़ द मैच मैच विद ट्वेल्व किल्स गाइज जितने भी देखा गाइज फटाख से लाइक दबा दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो बेहतरीन मैच गाइज गया गाइस हमारे ग्रुप ए वर्सेस बी का फाइनल्स का अभी और दो मैच आज के दिन के रहेंगे जो कि रहेंगे गाइज हमारे रात को दस और ग्यारह बजे लेकिन वॉट अ मैच बाय दीज टीम्स गाइज सभी स्कोर्स ने प्रेडिक्ट किया था नॉर्दर्न आइलैंड पे बनेगा और गया भी टी डायरेक्ट गए कंपाउंड होल्ड किया फिर वहाँ से थोड़ा सा सबर से काम लिया फिर जैसे ही ओपन फील्ड बना स्लोली स्लोली उन्होंने ट्राई किया यहाँ पे जोन में जाने की और एंड एट द एंड ऑफ द डे गेम यहाँ पे फोर मैन स्क्वाड का यही फ़ायदा होता है लास्ट में क्योंकि थोड़ा सा मैन पावर आपको आ, चिकन लाने में थोड़ा सा दे देता है मांस कमिंग विद ट्वेंटी रुपीज़ सुपर चैट थैंक यू सर थैंक यू सर ओके okay, चलो गाइज तो जितने भी देख रहे हो तो से लाइक दबा दो क्या ही बेहतरीन गेम गया अपना पहला बाकी लेट्स सी गाइज सॉरीट्स डिक्स दिखाओ देखो सर रियली सॉरी चैट्स मैं नहीं पढ़ पाया कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है बट आई ट्राइड माय बेस्ट हर एक फाइट कवर करने की टी सर टी डी एस फॉर निकाल चुके हैं पहला गेम तो टू मोर गेम्स फॉर टी के मेम्बर्स तो कह सकते हैं टी को थोड़ा पर हैंड मिल गया यहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स में जाने के लिए गाइस पंद्रह पॉइंट्स यहाँ पे चिकन के बाकी बारह पॉइंट्स किल्स के तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं टी डी एस एक कदम लगा चुके हैं दूसरा गेम अगर अच्छा चाहता है इनका तो तीसरा गेम फिर अर्ली एग्जिट होते हुए तो इतना दिक्कत नहीं पड़ेगा टी डी एस के लिए लेट्स सी गायस टॉम्स टॉप सिक्सटीन कौन रहते हैं यहाँ से बाकी सेकेंड स्लेयर भी अच्छा खेल चुके हैं पेशक किल्स नहीं है लेकिन तो दैट बारह पॉइंट्स पोजीशन के बहुत काम आने वाले हैं इनके बाद में टीम नो फेयर ना किल्स के साथ थर्ड पोजीशन पे कुछ यहाँ पे जोन ने उतना साथ नहीं दिया लेकिन बेहतरीन खेले यहाँ पे टीम नो फेयर के मेंबर्स फोर्थ पे आ गए हमारा टीम डी एक्स फिफ्थ पे उचिया थ्री मैन स्क्वाड आए थे नॉर्दर्न आइलैंड्स इन्हीं का था इन्होंने दिखाया लेकिन अर्ली एग्जिट्स हुए कुछ मेंबर्स और फोर मैन स्क्वाड ना होने का थोड़ा सा तो असर इन पे पड़ा सिक्स पे दहशील के मेंबर्स राइट फ्रॉम आई थिंक फ्रामना ऐसे आते सेवंथ पे एनिमी हंटर एट्थ पे सिंगे आएंगे नाइन्थ पे याक टेंथ पे मैवरिक्स एलेवन पे हॉराइजन टवेल्थ पे बिग फोर एल थर्टीन पे टीम हमारे रहेंगे क्रिप्स फोर्टीन पे ह्यूमन नाइट फिफ्टीन पे फोकिंग सिक्सटीन पे ऑरेंज रॉक सेवनटीन पे लीड बीज एटीन पे फोर्टी सेवन तो फोटी सेवन एड बीज ऑरेंज रॉक की फोकिंग ह्यूमन नाइट क्रिप्स बिग फोर आ, ये स्क्वाड्स को थोड़ा सा तो यहाँ पे आप नेक्स्ट दो गेम्स में यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा गाइज नहीं तो इनके लिए काफ़ी दिक्कत पड़ सकता है अगर बाकी दो गेम्स इनका अच्छे नहीं जाते तो निकल सकते हैं स्ट्रीम डिले से बाई दो मिनट सर स्ट्रीम डिले दो मिनट होता है हमारा ठीक है डेढ़ मिनट से दो मिनट के बीच में होता है सर तो चलो भाई जितने भी देख रहे हो फटाक से लाइक दबा दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो ठीक है तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में दस बजे अपना ग्रुप बी वर्सेस सी का सैनॉग का ग्यारह बजे ग्रुप सी वर्सेस डी का आ, ये दो मैचेस रहेंगे गाइस आज के तीन मैचेस फिर कल तीन मैचेस फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन टॉप सिक्सटीन है गाइस यहाँ से तो चलो गाइस मिलते हैं दस बजे टिल देन एवरीवन टेक केयर Love you. Bye-bye.